नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों, अगर आपको लगता था कि इस बार बिग बॉस के घर में कोई लव स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी, तो आपकी इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हम लेकर आ गए हैं एक ताजा जानकारी। जिस जानकारी के बाद आप कहेंगे कि हाँ, बिग बॉस के घर में कहीं ना कहीं प्यार उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, इस पूरे मामले को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दरअसल हम आपको बता दें कि वूट द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो की बात करें तो इसमें पवित्र पुनिया और रूबिना दोनों बात करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन खास बात यह है कि पवित्र पुनिया इस वीडियो में एजाज के लिए अपने प्यार की बात करती हुई नजर आ रही है। जी, एजाज के लिए रूबिना से पवित्र पुनिया कहती हुई नजर आ रही है, मुझे एजाज के साथ बैठना अच्छा लगता है, मुझे एजाज के साथ मेरी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी लगती है, मुझे एजाज की हर बात अच्छी लगती है। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एजाज मुझे समझ सकते हैं, मैंने हर संभव कोशिश की है कि वो मेरे साथ बॉन्डिंग बढ़ाए, मेरे साथ जो उनका प्यार है वो उसे बढ़ाए, लेकिन एजाज की तरफ से मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि मुझे एजाज से प्यार हो गया है। जी हाँ, यही सारे शब्द हैं पवित्र पुनिया के जो रूबिना से बात करती हुई नजर आ रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि पिछले कुछ एपिसोड में भी हमने देखा था कि पुनिया किस तरह से एजाज को किस करती हुई नजर आ रही है, किस तरह से वो आगे पीछे से उनको हक करती हुई नजर आ रही है, और इस सब को देखकर व्यूअर्स का कहना था, इस सब को देखकर बिग बॉस के फैंस का ये कहना था कि कहीं ना कहीं पवित्र पुनिया मात्र गेम के लिए ये कर रही हैं। जी हाँ, वो वीडियो में दिखना चाहती हैं, वो एपिसोड में दिखना चाहती हैं, इसलिए वो एजाज के साथ अपनी बॉन्डिंग नकली दिखाती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, लोगों का कहना था कि पवित्र पुनिया नकली बॉन्डिंग दिखाती हुई नजर आ रही हैं, वो सबसे ज्यादा फेक लग रही हैं अभी तक शो में। लेकिन आज आने वाले एपिसोड में या इस वीडियो की बात करें तो आप देखेंगे कि पवित्र पुनिया अपने प्यार का इजहार करती हुई नजर आ रही हैं। अब ये महज गेम के लिए है, महज बिग बॉस में टिकने के लिए है, या फिर ये सच्चा प्यार है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इनका ये प्यार आगे तक चल पाएगा या फिर नहीं? क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देखा है कि ये दोनों आपस में, अगर वीडियो में बात करें, अगर एपिसोड में बात करें तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन जहां टास्क और नॉमिनेशन की बात आती है तो ये दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो जाते हैं। जहां पवित्र पुनिया द्वारा एजाज खान को पिछले एपिसोड में नॉमिनेट किया गया, और वहीं एजाज खान ने जो इम्यूनिटी टास्क था उसमें पवित्र पुनिया के बाल काटे थे। दोस्तों, आपका क्या है मानना है इस पूरे मुद्दे पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय जरूर दें, और सगत ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।